नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेरघाटी प्रखंड के पास डॉक्टर उदय कुमार के क्लिनिक में 2 बजे नीवा के रहने वाले राम जतन साव के 24 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार को भर्ती किया गया। आपको बता दें, उसके पेट में दर्द था, उसका इलाज किया जाने लगा। रात में फिर अचानक पेट में दर्द हुआ तो कंपाउंडर से बोला गया कि उसे डॉक्टर से दिखाया जाए, लेकिन कंपाउंडर ने नहीं सुना, एक इंजेक्शन लगा कर चले गए और कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल में काफ़ी हंगामा किया। स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर डॉक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें, शेरघाटी थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, विधायक मंजू अग्रवाल, सीओ सुधीर तिवारी की पहल पर परिवार को समझा बुझाकर शांत किया गया। जब नित्या न्यूज टीवी के संवाददाता ने डॉक्टर से बातचीत की तो डॉक्टर ने बताया कि मरीज ने शराब पी ली थी जिससे उसके पेट फूल गया था। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप इसे गया ले जाएं बेहतर इलाज के लिए, लेकिन इसकी मौत सुबह में ही हो गई। डॉक्टर की तरफ से 50,000 रुपये मदद के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन परिवार वाला 5 लाख मांग कर रहा था। जब बात नहीं बनी तो गुस्सा आए परिजनों ने सबको लेकर घर चले गए। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। मोहित कुमार जो मरीज आपका नाम थे सर, क्या मामला है जो इनकी डेथ हो गई? ये नीमा गांव का रहने वाला मरीज था जी। इसका पेट फूला हुआ था जी। ये कुछ शराब भी पिए हुए था। अच्छा, दो चार दिन से इसका शेरघाटी के ही एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा था। कैसे पता लगा कि शराब पिए हुआ सर? उन्हें इसके परिवार वाले ही बताए थे। अच्छा, कि शराब पी लिया है तो पेट फूल गया है। अच्छा, तो इसका इलाज निजी क्लिनिक में चला, वहाँ से न ठीक हुआ तो मेरे यहाँ आया। कब आया सर आपके क्लिनिक? कल शाम में। कल शाम 4 बजे के लगभग। अच्छा, तो उसका हम इलाज किए, बोले कि लग रहा है कि पेट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसका गया जाना पड़ेगा। तो बोला कि ना देखिए ना, आज देखिए, आज भर देखिए कम से कम, हम ये देखो देखने को देख देंगे, लेकिन यदि ठीक ना हुआ तब सुबह तुमको गया निकल जाना होगा। तो उसका इलाज किया गया, आई वी फ्लूइड वगैरह दिया गया, जो भी मेडिकेशन है किया गया, लेकिन उसका मतलब डिस्टेंशन जो हुआ यानी पेट का फूलन नहीं कम हुआ और सवेरे उसका प्राणांत हो गया। तो मर्ज क्या था? वो मर्ज था इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, आंत का उलझन जी। आंत का उलझन था, मैंने आंत अजुरा जाना, ऐसे कैसे समझिए सामान्य भाषा में। तो इसी में कभी कभी प्राण चला जाता है दर्द से। हालांकि दर्द रोकने की दवा दी गई थी, सुबह उसका ऑपरेशन का प्लानिंग था मैंने मेरे द्वारा कि सुबह गया भेज देंगे और ऑपरेशन होगा, इसी बीच एक्सपायर कर गया। क्या नाम था? मोहित नाम था। और कहाँ से आए थे मरीज? नीमा गांव का। नीमा से। आपका परिचय सर? डॉक्टर उदय कुमार। क्या बताइए? हम लोग के सामने बात हुआ डॉक्टर दया बाबू से। अच्छा, डॉक्टर दया बाबू बोलते हैं कि 40-50 हज़ार रुपया दे देंगे। अच्छा, सहायता के रूप में होता जाता रहता है, बहुत करेंगे तो 1 लाख रुपया तक देंगे। अच्छा, इधर से लोगों का डिमांड हुआ कि कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए। अच्छा, सहायता के रूप में। हालांकि पेन भी नहीं, जो करना है जो कर लीजिए, हम लोग समझ लेंगे। तो हम लोग का जो भी गार्जियन के रूप में आए हुए हैं वो बोले हम लोग पैसा नहीं लेंगे, हम लोग लेके जाएंगे बोरी, कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं, कुछ होने जाने नहीं है केस मुकदमा करने से। ऊपर में रिपोर्ट हो गया है, ऊपर बड़ा वाला मैडम यहाँ से जो है नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी जितना भी है कुछ हम लोग का सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार साहब। कौन लगते हैं जो मरे? मेरा चचेरा भाई है। क्या नाम था उनका? मोहित कुमार। 2 बजे। हाँ, क्या हुआ बताइए? मरीज के लिए कहे तो तब कहा कि देखे, पहले डॉक्टर साहब ये थे चेक किए, लिखे आती एक्सरा कराए, एक्सरा कराए तो डॉक्टर साहब बोले ना कि यदि इसको हाथ है ना से पति सूजन हुआ, तो सूजन है तो कहे ना पेन की तीन, देखिए दिन रात भर में 3 बोतल पानी चढ़ता है तो सेक्स से जो है तो भोरे जवाब देंगे। अच्छा। रात भर नहीं जवाब दिए, कुछ बोल चल नहीं किए और आए 8 बजे आए, फिर 8 बजे आए ना से देख के और चले गए, फिर कखानी नहीं आए। कंप्यूटर साहब कोई नहीं आए, फिर एगो बच्चा था कंप्यूटर में जो कोई रहे, वो बच्चा था एगो जो आए और देख के चले जाते, बाकी कुछ नहीं। फिर सुई एगो दिया, फिर 4 बजे भोर में आया से उस सुई दिया, अभी बोलने गए ना कि
अथी कंप्यूटर साहब हमको मरीज बढ़िए नहीं तो चिल्ला के बहन चोद मारेंगे। कंप्यूटर बोला ये जो डेट किया आपके कौन लगते हैं? मेरा भाई है। आपका क्या नाम है? नीलम देवी नाम है। घर आपका? मेरा घर तो श्याम नगर नीमा नैहर है। बताइए तो खाना हम लोग अल्ट्रासाउंड किए यहाँ पर गैस के फॉर्म में गैस है इसमें तो डॉक्टर साहब बोले कि एक सिरा करके कि इसको आंख में सूज हो गया है ऐसे बोले बोले कि पानी चढ़ा। कौन डॉक्टर बोले? उदय बाबू। अच्छा बोले कि इसको पानी चढ़ाया पड़ेगा। अच्छा और पानी से ठीक नहीं होगा तो इसका ऑपरेशन किया जाएगा। कब लाया था यहाँ? कल लाया था। कितने बजे लाया था? दो बजे लाया था जी। अब डेट कितना बजे हुआ? 5:30 बजे रात में सुबह मतलब सुबह में। कौन कहा कि डेट कर गया आपको? जी यहाँ से फोन गया कि हमारा बहनोई रहते हैं तो बोले कि ऐसा ऐसा है से छटपटा रहा है कोई देख नहीं रहा है तो आप जल्दी आइए उनको गया ले जाना है। कोई नहीं आया। हुआ क्या था? हुआ सर था कि पेट में दर्द के बहाना हुआ। अच्छा उसको यहाँ पर 2 बजे इलाज के लिए लाए। यहाँ इलाज किया गया तो बोले कि इसमें आँख में सूज है पानी चढ़ाने से ठीक होगा तो होगा नहीं तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा बोली। अच्छा रात में सर अगर बोल दिए देते कल ही 2 बजे बोल देते कि यहाँ से नहीं ठीक होगा ले जाओ यहाँ पर इसका सुविधा नहीं है। हम लोग लेके जाते मोहित कुमार। मोहित कुमार उसका बड़ा भाई हम हैं। आप बड़े भाई हैं जी। आपका क्या नाम? मेरा केदारनाथ साहू नाम है। घर आपका? श्याम नगर नीमा है। मामला हुआ बताइए। मामला हुआ कि सर मोहित कुमार श्याम नगर नीमा का रहने वाला अमस थाना के वो लड़का कल 8 बजे यहाँ आया सर। जो डॉक्टर साहब बोले उदय बाबू कि इसका पेट में गैस बना हुआ है और अगर पानी चढ़ने से अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसलिए यहाँ आदमियों ने भर्ती कर दिए। रात में जब कहा हुआ कि कोई पानी लगा कर छोड़ दिए रात में कोई ताकने वाला भी नहीं आए। लड़का का धीरे धीरे सर हालात बिगड़ता गया हालात उसको नाजुक होता गया। फिर भी जब ये व्यक्ति लड़का के जो जीजा जी हुए बोले कंप्यूटर साहब के कि कंप्यूटर साहब आइए लड़का बहुत दर्द से कराह रहा है चिल्ला रहा है आइए कुछ बोलिए तो बोलता है कि बहन चो सुई लगा देवे कि ये पानी लगा देवे कि चुप रहेगा तुम ही को मारेंगे कहलाता। सब जब यहाँ नाजुक है जब हॉस्पिटल में लोग किस लिए आता जान लेने के लिए। लड़का 24 वर्ष का था सर। मोहित कुमार सर। मोहित कुमार आपका क्या नाम है? मेरा सतीश कुमार नाम है। कौन लगते हैं आपके? मेरा सर वो अंकल लगा जो डेट किए से जी। डॉक्टर साहेब आन के काला दी की 3 बोतल पनिया से कंटोर ना हो तो ता भोरे लेके जाइया गया। कल दोपहर 2 बजे रात को जवाब ही नहीं दिया हमको 12 बजे रात बोल रहे हैं हाथ में अपने से जो 3 लाइकर बात भी किया हमको गाय लेके चला गया और 3 लाइकर डॉक्टर साहब बोले पानी जाकर ठीक हो जाएगा रात में रख लेगा जवाब नहीं दिया।